हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ साइम सी एच ऑफिशियल। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2 और आज हम करने जाएंगे डोर एस्केप। तो जल्दी से हम करते हैं स्टार्ट प्ले और जल्दी से अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर अभी तक आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ भाई, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। और जो डे वन हमारा स्टार्ट हो चुका है, हमारा तो यही है डे वन टू या ज़्यादा थ्री से ज़्यादा हमारा काम ना बढ़े। ग्रैंडपा इतने ज़्यादा खास नहीं है, ग्रैनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो सुन भी सकती है। ये बोड़ा है इसलिए उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं, जाएंगे जाएंगे भागेंगे भागेंगे। ऊपर जा रहे हैं अब हम। मेरा तो यही है कि हमें ग्रैंडपा मिल ही जाए, हम सीधा ऊपर जाएँ क्योंकि वो हमेशा नीचे होता है स्टार्टिंग में। सो फ्रेंड्स, अब हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कुछ ना कुछ शायद हमें कुछ मिल जाए। हमारी किस्मत तो अच्छी है नहीं, बट हाँ ये देखा ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब हम जल्दी से ड्रॉर्स को ओपन करके देखेंगे, वेपन की हमें मिल चुकी है। नीचे जाकर अब हम वेपन अपना लेंगे। जल्दी से दरवाज़ा खोलें और नीचे वो ग्रैंड पा ना हो, वो किसी की खोपड़ी में हम घुसा देंगे बुलेट्स। सो जल्दी से अब इसको ओपन करते हैं हम। एंड देन हो जा भाई, हाँ चलो नीचे बैठे, अंदर जाएं, वेपन दरवाज़ा खोलो भाई। हमें गन चाहिए, हमें इसकी एमओस चाहिए, एमओ दूसरी भी डालेंगे और ग्रैंड पा को की सीढ़ी के अंदर ठोक डालेंगे। उसके बाद अब हम जा रहे हैं, बाहर निकल जाओ भाई। अब हम भागेंगे यहाँ से, भागेंगे भागेंगे भागेंगे। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ ना कुछ, शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, मगर हमें अब ग्रैंड पा को भी ढूंढना है। तो अब उसके साथ हम ग्रैंडपा को इधर ठोक डालेंगे। अब इसकी अब हम सिक्योरिटी की लेंगे, अगर हमसे ली गई उससे पहले हम सारे कैबिनेट्स चेक कर लेंगे, शायद हमें कुछ मिल जाए। क्रोबार हमें मिल चुका है, ओवन के अंदर स्टन गन पड़ी है, वो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारे पास शॉट गन है, इसलिए स्टन गन किसी काम के नहीं। क्रोबार लेंगे, क्रोबार को फेंक रहे हैं। मेरा है कि सिक्योरिटी की मिल जाए, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी क्योंकि वो टेढ़ा उल्टा होके लेटा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब ये गायब हो रहे हैं तो हम इसकी सिक्योरिटी की उठा लेंगे, मगर वो भी गायब होगी। अब क्रोबार लेके हम अपने रास्ते दोबारा चलते हैं, जहाँ से हम आए थे वहाँ से ही जा रहे हैं। हमें उसको मारने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं इसलिए मारता हूँ क्योंकि हमें सिक्योरिटी की मिल जाए। गैसोलाइन कैन हमें डोर एस्केप में तो चाहिए ही नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हम नीचे चलते हैं क्योंकि गैसोलाइन कैन हमें चाहिए नहीं। अब हम दूसरी जगह देख लें कि शायद हमें कुछ ना कुछ स्टन गन उठा लेंगे हम, उसके अंदर अब बुलेट्स ऑन डालेंगे। वॉल्यूम को हम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, जल्दी से एमओस को हम फिट करेंगे। आ जाओ भाई, नीचे जाके बुड्ढे को देखेंगे और उसको ठोक डालेंगे। थोड़ा सा फ़नी भी होना चाहिए, ऐसे सीरियस खेलो डर है होता है कि सामने से ग्रैंडपा ना आ जाए, तो थोड़ा सा फ़नी पीछे मैं ऐड कर रहा हूँ, इस रामलों को मज़ा आएगा। एक वीडियो इस तरह की ज़रूर बनेगी जिसके अंदर मैं इसकी फुल बेइज्जती करूँगा, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगी आप लोगों के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये हम डोर एस्केप कम्प्लीट करेंगे। अभी तक मुझे कोई चीज़ नहीं मिली जिसे मैं स्टार्ट करूँ, मुझे इस बात पे बहुत दुख है, बट क्या करें, अब कुछ मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, क्या करें, अब हम कुछ भी नहीं मिल रहा। हेलीकॉप्टर मैनुअल हमें चाहिए नहीं, ना हमें पीस ऑफ पिक्चर चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, स्पार्क प्लग भी नहीं हमें चाहिए, और यहाँ बाथरूम में भी कुछ नहीं है उसमें, ठीक है जो भी होता है वो। तो अब हमने नीचे वाला पोर्शन छान लिया है, कुछ भी नहीं मिला हमें कसम से, नहीं ऐसा क्यों है, हमारी किस्मत ही माड़ी है। अब देखना यह है कि ग्रैंडपा नीचे तो नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट कुछ नहीं होता। ओ ये यहाँ पर सोया पड़ा है, अब देखो इसको हम दूर से ठोक डालेगा ऐसे करके, तो शॉक लगा है। हम सिक्योरिटी की लेंगे और छत पर भाग के जाएंगे और जाकर ओपन करेंगे अपना डोर। उसके बाद वापस आके मैं अपना रेंच लूँगा और नीचे जाकर वो भी ओपन करेंगे हम। ऊपर पहले हम छान लेंगे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए तो शायद हमें मिल जाए। दुआ करो भाई स्टार्टिंग तो हो, ये स्टार्टिंग हमारी हो गई। हैंडविल हमें मिल चुका है जिससे दरवाजे का ऊपर वाला जो केव है लोहे वाला
ये नहीं तुम चुकी थे वो ओपन होगा, ये हमारी फर्स्ट पोजिशन में लगेगा भाई गिरजा, ये हमारी सरासर बेइज्जती है। बट ऐसे अब हम इधर भी देखेंगे, शायद हमें कुछ ना कुछ इधर भी मिल जाए। ड्रॉर्स ओपन करेंगे हम, कुछ ना कुछ तो मिले भाई, कुछ भी नहीं है यार। नीचे जाएंगे अब हम, देखेंगे ग्रैंडपा तो नहीं, बट अब हम नीचे जा रहे हैं, ये कर लेंगे। इसमें देखेंगे इसमें क्या है, इसके अंदर बॉट की है वो भी हमें नहीं, कतरा भी नहीं चाहिए क्योंकि हम वो लैक स्केप कर ही नहीं रहे। इसके अंदर अब हम देखेंगे इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर ग्लास फ्यूज़ वो भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो हेलीकॉप्टर स्केप में चाहिए होता है। तो इसको जल्दी से हम करते हैं साइट पे, हो जा भाई हो जा हो जा। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, शुक्र शुक्र। ये क्या है, डोर हैंडल हमें मिल चुका है, हमारी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है यहाँ से ही। पहला पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो रहा है, पार्ट टू के लिए अभी सब्सक्राइब कर दें, पार्ट टू भी जल्दी से जल्द रिलीज हो जाएगा। तो डोर हैंडल हम लेंगे एंड आई एम गोइंग, सो एक एक करके हम चीज़ें उठाएंगे। मैं तो कहता हूँ नीचे अभी हम फेंक देते हैं, नीचे से फर्स्ट पोजिशन में हम ड्रॉप करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम आगे अपना देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। डोर हैंडल भी हम अपना उठा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, फेंक देंगे और देखते हैं हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, बट नहीं, हमारी किस्मत माड़ी है। डोर लॉक, ओ डोर लॉक पे तो हमारी नज़र ही नहीं गई, इसको लेके अब हम नीचे इधर ही फेंक रहे हैं क्योंकि हाँ बस यहाँ पे वो आ गए हैं। अंकल जी अंकल जी, मेरी गन किधर है, हम गन ढूंढेंगे और अंकल जी को ठोक डालेंगे फिर से ताकि दोस्त की इनका हमें सुकून चैन मिल सके। नीचे ही है गन, अब हम पकड़ लेंगे वो गन, बाद में उठाते हैं, पहले हम सामान फिट कर लें आहिस्ता आहिस्ता करके। हैंड व्हील हमें नीचे जाके लगाना है जिसकी वजह से ऊपर वाला केज ओपन हो जाएगा, जो ऊपर हो चुका है हो जाएगा ये लगाने के बाद। देन इसको अब हम इधर फिट करेंगे, हमारा अभी डे वन चल रहा है, आप लोगों को साथ साथ बताते चले। जैसे आप लोग देख सकते हैं अंकल जी फिर से हमारे सामने, हमारी निगाहों के सामने हैं, अब वो हमारा पीछा करेंगे। मैं ऊपर से सीढ़ियों की मदद से मैं नीचे जाऊँगा, इसलिए घर का नक्शा बहुत अच्छा और इजी बनवाया है, हम बार बार उसी जगह पे आराम से पहुंच सकते हैं। बट घर थोड़ा वो है, पुराने ज़माने वाला, हम थोड़े मॉडर्न स्टाइल लोग हैं, सो इस घर से जल्द हम रिहा होना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर ना फेस रिवेल भी कर दूँ, वैसे तो आप लोगों ने मेरा मुँह देखा ही हुआ है।